Hey you guys, good morning. Welcome back to channel Place New Delhi, and I hope you guys doing good. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नया व्लॉग, and welcome back to another travel vlog. तो अभी हमें जोरबाग मेट्रो स्टेशन. Today what we are doing is exploring Lodhi Garden, Lodhi Art District and जोरबाग with YOLO bikes, एकदम eco friendly. अगर आपको भी दिल्ली explore करना है safely, smoothly and eco friendly way में, तो YOLO bikes बेस्ट है. यहाँ पे जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में YOLO bike का सेंटर है. यहाँ पे स्मार्ट बाइक्स भी है और बैटरी वाली जो बाइक्स है वो भी है. तो हम आज इस पे सब एक्सप्लोर करने वाले हैं. ये है YOLO bike स्टेशन और यहाँ पे हाउ टू YOLO पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं. YOLO bike मैं कोविड के टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ. कोविड के टाइम पे यूज़ करना थोड़ा टफ रहेगा इसको. तो यहाँ के जो संभालने वाले हैं सारी बाइक्स को, भैया को हर एक घंटे में सैनिटाइज कर रहे हैं. तो पूरी बाइक सैनिटाइज हुई हुई है. कोविड के टाइम पे से यूज़ करना सही रहेगा. इको फ्रेंडली भी है और सैनिटाइज होके मिल रही है. तो बेस्ट वे है दिल्ली घूमने के लिए. मैंने इसको अनलॉक कर लिया है और इसको अनलॉक करने का बहुत ही ईजी स्टेप में अनलॉक हो जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ भी कैसे करना है. YOLO ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, फ़ोन नंबर अपडेट करो, ईमेल आईडी डालो, 200 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी लगेगी. पर मिनट पे इसके चार्ज होंगे, जैसे 1 मिनट के 1 रुपये, 5 मिनट के 5 रुपये, 10 मिनट के 10 रुपये. बहुत बेसिक है. और अगर आपको इसको अनलॉक करने में कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा YOLO की तरफ से जो आपकी हेल्प कर देगा. पीछे 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 पीछे, हाँ ऐसे. अरे अरे तू मत कर. मैं तो हल्का था. बैग यूज करने के लिए अगर आपने कभी स्कूटी या साइकिल चलानी सीख रखी है तो आपके लिए इजी होगी. इन्होंने कभी नहीं सीख रखी थी तो थोड़ा टफ रहेगा इनके लिए आज YOLO bike चलाना, क्योंकि इसमें बैलेंस करना पड़ता है. ऐसे तो बहुत कंफर्ट है, ज़्यादा पिकअप भी नहीं है इसका, बैटरी चलती है. अगर पेट्रोल होता तो अलग चीज़ थी. तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी चलाने में, पर इनको होने वाली है. कल भी यहाँ पे आए थे तो इस बंदी से कल ये बाइक चली नहीं थी और आज ये सबको सिखा रही है कि बाइक चलानी कैसे है. इन दोनों को यहाँ से बाइक निकालने में कम से कम 25 मिनट लग चुके हैं और मैं ऐसे गोल 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 घूम रहा हूँ. 45 मिनट हो चुके हैं और अफगानिस्तान से ये सुन नहीं रही है तो हम सिखा रहे हैं. पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये पता यूँ ही हो जाती है. नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी. आप सीधे रहोगे साइकिल भी सीधी रहेगी ना. आप ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं मजा आएगा. आपको सिर्फ सीधा बैठना और हाथ इस पे वो रखो. एक बार और व्यू जाएगा. एक बार और. यार तुम कैसे करती है यार ये. चलो एक बार और करो. जाओ कोई दिक्कत नहीं है. हाँ थोड़ा स्पीड दो, कोई गाड़ी नहीं है, जान दो. बहुत सही. पैर ऊपर. अभी पैर ऊपर तो करो, कोई दिक्कत नहीं है. बस सही है. कमर बहुत दूर जा रहा है अभी तो अपन को. ऐसे तो कल रात हो जाएगी पहुँचते. तुलुआ कैसी पक्की हो चुकी है यार, देखो बिल्कुल ध्यान से रोड के साइड नहीं. कांसा क्या करती है, ये सीधा तो बैठ जाती है फिर कमर ऐसे ऐसे करती है. तो अब हद है यार, कितना मज़ा आ रहा है. इनके लिए YOLO bike चलाना मुश्किल तो नहीं कहेंगे पर टफ ज़रूर है. ये पकड़ना यार, मैं से साइकिल नहीं चल रही. आ जा ना एक हाथ से चला के, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. आ जा, रिकॉर्ड हो रहा है. आ जा. अबे ए, मेरे सामने ऐसे मत कर रास्ते में आके, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ. यार ये ऐसे हम कितना स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. हमने भी 1 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और वो भी 1 घंटे में. हद है यार. ये देखो ये होता है इनके साथ, ये ऐसे ऐसे कर लेती है अपने आप को. ये फिर गई. तो पूरी 1 घंटे की मशक्कत के बाद 1 किलोमीटर ट्रैवल करा है और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे हैं ग्रैफिटी वर्ल्ड. ये मेरे पीछे आपको ग्रैफिटी दिख रही होगी, बहुत सुंदर सी दीवार पे एक फिश पेंट कर रखी किसी ने. तो हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं और इसके आगे पूरा ग्रैफिटी स्ट्रीट्स है पूरी. तो
वहाँ भी जाएंगे, बहुत मजा आएगा, ब्लॉग में बने रहिए। राइट राइट, यहाँ से कहाँ जा रहे हो? ग्रेफिटी स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने से पहले अपन आए हैं खान मार्केट में, मतलब खान मार्केट से होते हुए ही उस स्ट्रीट पे जाना होता है। तो ये है न्यू खान मार्केट और यहाँ पे देखो सब स्टॉल्स है, जितने भी शॉप्स हैं सबका बोर्ड सेम है। ऐसा क्यों है तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा है। अब पूरा आगे खान मार्केट है, आगे चलते हैं। तो लेकर अच्छी चला रही है भाई, खान सा को थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर देखो इनसे भी चलने लग गई भाई, ये भी अच्छे से चला रही है। ओ अब तो बहुत सही चला रही है, देखो देखो देखो। आ जाओ मेरे पीछे आओ। है पूरा यहाँ का खान मार्केट, आपको यहाँ पे फूड अच्छा मिलेगा, स्ट्रीट फूड अगर आपको ट्राई करना होगा यहाँ मिल जाएगा, आपको कुछ गैजेट्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल जाएंगे, मोबाइल का मार्केट है और सैमसंग कैफे बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और एंटर करेंगे अपने ग्रेफिटी वर्ल्ड में। मतलब यार यहाँ पे कितनी सुंदर ग्रेफिटी बना रखी है, देखो दिख रहा है आपको। 2 से 3 किलोमीटर में ये पूरा ग्रेफिटी कॉलोनी है, फैला हुआ है और सब दीवारों के बाहर बहुत सुंदर उन्होंने ग्रेफिटी डिज़ाइन कर रखी है। मैंने इसका ब्लॉग पहले बना रखा है पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा। वो मैंने 1 साल पहले बनाया था, कैसे बना, कब बना, किन लोगों ने बनाया पूरा, और मैं बहुत आगे आगे बात करता करता अब मैं वापस इनके पास जा रहा हूँ। इससे आप अपने दोस्तों का यूलो बाइक ले लो, 2-3 बाइक्स एक बाइक पे ही चलाओ ना। हाँ उन्होंने कहा था अगर आप डबल करोगे तो फाइन लगेगा। आर्ट गैलरी को और जोर बाग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑटो करोगे या फिर बाइक से आओगे तो यार थोड़ा इको फ्रेंडली भी नहीं है और ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। स्ट्रॉन्ग बाइक नहीं है ये, और ये रोड है वो काफ़ी हैवी ट्रैफिक वाला रोड है, कॉलोनीज नहीं मेन रोड, तो आराम से क्रॉस करना और कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये यूलो बाइक पूरे दिल्ली में अवेलेबल हो जाएगी, तो मस्त आओ, इन्जॉय करो, बाइक चलाओ। और मेरे राइट में है पालिका मेटनरी हॉस्पिटल लोधी कॉलोनी, तो लोधी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल भी है और लोधी कॉलोनी में आपको, और यहाँ आतुरी का मत जाए, कुछ भी नहीं है, चलो कुछ खाते हैं पहले फिर देखेंगे, ठीक है। तो ओल्ड खान मार्केट, थोड़ा ओल्ड खान मार्केट ऐसा दिखता है, देख लो यहाँ पर भी आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, खाने पीने की, शॉपिंग करने के लिए, कैफे सब कुछ मिल जाएगा। क्या मतलब ये लेंगे तो ये नहीं आएगा? नहीं ये लेंगे तो ये प्लेट के हिसाब से अलग है, मिक्स में ये सारी चीज़ें तुझे तल के अभी ऐसे हाँ सर मिक्स कर दो, नहीं आएगा ना, दाल वाले तो खाना था। 2 घंटे यूज वाला चलाने के बाद हम यहाँ पर हैं ओल्ड खान मार्केट में, कुछ खा रहे हैं 2-3 चीज़ें लिए खाने की, और आई प्रेफर दिस मिष्टी दही, क्योंकि यार हमारे राजस्थान में मिष्टी दही मिलता नहीं है, तो जहाँ मिले वैसे खाता हूँ। हाई प्रोटीन डोसा भी लिया है और पकौड़े भी लिए हैं, पर जितना भी अनहेल्दी फूड है ये इस तरीके के लिए, इस तरीके के लिए है, मैं नहीं खाता हूँ खाना भी, पर मैं ऐसा सिर्फ कैमरे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं खा लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूलू बाइक की सबसे अच्छी खास बात है कि देखो यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है, अकांक्षा की बाइक है, इन्होंने यहीं पार्क कर दी थी, यहाँ पार्क कर दो, कहीं भी पार्क कर दो और आपको ही शॉपिंग करनी, कुछ खाना है आप जा सकते हो, बेफिक्र हो। तो आपको इसकी सेफ्टी मेजर रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका ध्यान रखो, 24 घंटे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉज करके जाना और फिर आओ तो रेज्यूम कर देना। दिक्कत हो गई, ऐसा कैसे हो सकता, बिना उसके थोड़ा कर सकते हैं, मैं गई है बारह अनलॉक का, मैं अनलॉक कर पेना आ रहा है और मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि तुमने वो कर दिया है। इसको उठाने का बहुत सही तरीका, देखो ये इसका लॉक होता है, आपको इस लॉक को पीछे करना है, अब बहुत सिंपल है, ठीक है। लोधी कॉलोनी की सबसे अच्छी बात है आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, देखो लाइन से शॉप से सारी, और यहाँ पे आपको स्टूडियो, फ्रेम, गैलरी, फूड आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स सब मिल जाएंगे। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर नॉट सो गुड ड्राइवर, तो उनको ये वीडियो ब्लॉग दिखा देना, थोड़ा मुश्किल रहा उन्हें सिखाना यूलो बाइक चलाना, पर जब वो सीख गए
तो वो आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। इतना ईजी है इसको यूज़ करना, और इसको यूज़ करके पूरी दिल्ली का आप टूर दे सकते हो। आपको ये दिल्ली के हर एक पॉइंट पे मिल जाएगा, या मेट्रो स्टेशन के बाद तो ऑफकोर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो आप दिल्ली आते हो तो कोशिश करना आप इको फ्रेंडली बाइक यूज़ करो, यूलो बाइक। हाँ तो आ जाए, कोई बात नहीं है, खाली है। हम जा रहे हैं अब लोधी गार्डन्स, पास में ही है जोरबाग मेट्रो स्टेशन के, कुछ 1 किलोमीटर के अंदर आ जाएगा बाय वॉक से। पर हम जा रहे हैं यूलो बाइक से। ईस्ट लोधी गार्डन वो मेरे ये लेफ्ट में है, पर अच्छा ये रही आगे से डिवाइडर था ना, तो साइकिल सॉरी बाइक नीचे उतारने की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये है वो बाइक उतारने की जगह है, ये है इसका पार्किंग पॉइंट। तो यहाँ पे पार्क करके पॉज कर अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं। पर अगर हमें इसको राइड एंड करनी है तो यूलो पॉइंट पे करनी होगी। ये सिर्फ पार्किंग पॉइंट है, यूलो पॉइंट वही है जहाँ से हमने बाइक ली थी, या फिर कहीं और भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि वहीं छोड़नी है, कहीं और भी छोड़ सकते हो। दिस इज लोधी गार्डन, यहाँ पे टाइमिंग भी लिखे हुए हैं 5:30-8:30, और कोविड के सारे इंस्ट्रक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। थोड़ी देर वर्कआउट करने के बाद बैठे थे हम काफ़ी टाइम से, फिर वर्कआउट किया, एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस लोधी गार्डन। ये है एक मेन टॉम है यहाँ का। दिस वन इज 12 गुम्बद और दिस इज शीशा गुम्बद। जो ये 12 गुम्बद है ये गेटवे की तरह यूज़ होता है इस टॉम के लिए। तो एक्चुअली ये टॉम है नहीं, इसको टॉम बोलते हैं। इस तरफ 12 गुम्बद और यहाँ पर एक मॉस्क है, ये बनी थी 1494 में लोधी डायनेस्टी के टाइम पे। और 12 गुम्बद को और शीशा गुम्बद को बनाया था सिकंदर लोधी ने। तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में मुझे पता है नहीं, थोड़ा मैंने गूगल पे से पढ़ा तो आपको बता दिया। अभी मैं इसके अंदर गया था पर शूट करना अलाउड था नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत करा अंदर, फिर गार्ड है तो उसने मना कर दिया। तो कभी किसी और ब्लॉग में कवर करेंगे लोधी वाले, मैं रोड क्रॉस कर लिखा आ जाए फटाफट। तो आज के लिए और अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना, बाकी आपकी लाइफ में जो मर्जी पड़े। चुप रहे ना यार, चुप रहे यार, तू चुप रहे। We need to feel